नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कोरोना कोविड 19 के योद्धाओं के रूप में हम प्रतिदिन आपको किसी न किसी चिकित्सक, सुरक्षा कर्मी या इस महायुद्ध में जो अपना योगदान दे रहे हैं उनसे मिलवाते हैं। आज हम आपको मिलवा रहे हैं दमोह के जाने माने चिकित्सक डॉक्टर सुदेश जैन से। सुदेश जैन जो कि जाने माने चिकित्सक हैं, समाज सेवी हैं और काफी अनुभव रखते हैं। हम कोरोना जो एक क्राउन की तरह रखा गया है, मास्क का प्रयोग कैसे होना चाहिए, कोरोना वायरस 9E NL63 OC43 HKU1 कोविड-19 की दुनिया भर में लोग आमतौर में इन चार टाइप के मानव कोरोना वायरस से संक्रमित होते हैं। तो मिलते हैं कोरोना कोविड-19 के योद्धा डॉक्टर सुदेश जैन से और सुनते हैं क्या कहना है उनका, किस प्रकार हम हरा सकते हैं कोरोना कोविड-19 को। सभी जी को मेरा नमस्कार। दुनिया सहित हमारा देश भी अभी एक महामारी से जूझ रहा है जिसकी अभी तक ना कोई वैक्सीन बनी है ना कोई समुचित इलाज है। इससे बचाव ही इससे बचने का सबसे बड़ा हथियार है। हमें जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने 21 दिन का लॉकडाउन किया है उसका पालन करना है। डरना नहीं है, हमें बस सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखना है। बहुत सारी भ्रांतियां हैं, हम क्या करें क्या ना करें, सोशल मीडिया से बहुत सारी गलतफहमी वाली खबरें फैलाई जा रही हैं, उनसे बचना है, उनसे सावधान रहना है। बहुत आवश्यक ना हो तो घर से ना निकले, बहुत आवश्यकता पर घर से निकलने पर सैनिटाइजर साथ में रखें, नाक पर व मुंह पर मास्क बांध के रखें। मास्क के को लेकर भी बड़ी भ्रांतियां हैं, किस मास्क का यूज़ करें, मास्क कैसे यूज़ करें, कब कब यूज़ करें। तो मैं मास्क के बारे में थोड़ी सी बात आप लोगों को बताना चाहता हूँ। तरह तरह के मास्क बताए जा रहे हैं सोशल मीडिया पर भी, और पर मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो मास्क हैं उसमें एक तो N95 मास्क आता है जो इस बीमारी में कारगर तो है, लेकिन बहुत ज़रूरत नहीं उस मास्क की, क्योंकि वो पोल्यूशन रोकने के लिए उस मास्क का ज़्यादा यूज़ होता है। N95 जो मास्क रहता है वो पोल्यूशन के लिए ज़्यादा कारगर होता है, ना कि इसके लिए। कोरोना के लिए साधारण AN95 मास्क का रूप है जो पोल्यूशन के लिए ज़्यादा यूज़फुल होता है, लेकिन कोरोना के लिए चूंकि कोरोना वायरस जो है वो 500 माइक्रोन तक बड़ा होता है, 400 to 500 माइक्रोन तक, इसलिए साधारण जो मास्क रहते हैं ये सर्जिकल मास्क है, ये सफिशिएंट है उसको रोकने के लिए। पूरी कम्युनिटी को जब भी वो बाहर हैं, घर से बाहर हैं, वो मास्क पहने, उसको चाहे कोरोना हो या ना हो। बचने का सिर्फ एक ही उपाय है, मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, हाथों को बार बार साबुन से धोएं या सैनिटाइजर का उपयोग करें। मास्क पहनने का तरीका भी मैं आपको बताता हूँ। एक सर्जिकल मास्क है ये मास्क भी हम लोग जो ऑपरेशन थिएटर में यूज़ करते हैं, और हमने कई सारे मास्क ऐसे बनवा कर जगह जगह बंटवाए हैं, ये भी उतना ही कारगर है जितने ये N95 सर्जिकल डिस्पोजेबल मास्क या ये मास्क है। सभी मास्क बहुत अच्छे तरीके से कोरोना वायरस को रोकते हैं। मास्क पहनने का तरीका मैं आपको बता दूं कि जब आप डिस्पोजेबल मास्क पहनते हैं तो डिस्पोजेबल मास्क पहनने के पहले सबसे सर्वप्रथम अपने हाथ को सैनिटाइजर से अच्छी तरह से साफ करें। सैनिटाइजर को सिर्फ लेकर ऐसे ऐसा नहीं कर देना है, उसको पूरी तरह से साफ करना है, उंगलियों को भी साफ करना है, उंगलियों के बीच की जगह को साफ करना है, अंगूठे को साफ करना है, और इसके बाद कोंचे तक इसको अच्छी तरह से साफ करना है। साफ करने के बाद मास्क को आप उठाइए। इस डिस्पोजेबल मास्क पे ऊपर की तरफ एक पत्ती रहती है, उस पत्ती को ऊपर रखना है ताकि वो नाक के फोल्ड को ऑक्यूपाइड कर ले, और उसको ऐसे पहनते हुए इसको अच्छी तरह से अपनी नाक के ऊपर चढ़ा लेना है और उसको स्किन से दबा देना है ताकि ऊपर से किसी तरह के कोई कीटाणु ना जा सके
और इसको नीचे की तरफ ऐसा करना है ताकि नीचे से भी गैप ना बना रहे। इस तरह से ये मास्क पहनना है, मास्क को एक तरफ ही पहनना है, कभी पलटा कर नहीं पहनना है। आप मास्क यूज करने के बाद, डिस्पोजल मास्क यूज करने के बाद इसको फेंक दें या जला दें, ये अति आवश्यक है, क्योंकि यदि किसी मरीज के कॉन्टेक्ट में आते हैं तो हमारा इस तरफ वाला जो हिस्सा है ये एक्सपोज रहता है और इसमें विषाणु हो सकते हैं, वो वायरसेस हो सकते हैं। यदि आप सड़क पे फेंक देंगे तो ये इसके ऊपर लगे रहेंगे, इसलिए इसको डिस्पोज करना, जलाना या फेंकना, गाड़ देना, ये इसका एक कारगर उपाय है। मास्क को कभी ऐसा यूज़ ना करें कि जिसमें नीचे की तरफ पत्ती हो, मास्क को हमेशा ऐसा ही यूज़ करें और एक सतह से ही यूज़ करें सिर्फ। इसमें दूसरी वो भी रहती है कि इसमें एक वाइट पोर्शन रहता है जो अंदर की तरफ होना चाहिए, लेकिन सबसे बढ़िया तरीका है कि पत्ती इसमें रहती है और इसकी जो मास्क में जो इलास्टिक रहती है वो अंदर की तरफ लगी रहती है, आप उसको उस तरह से यूज़ करें। जब मास्क आप कपड़े का यूज़ करते हैं, ये डिस्पोजेबल नहीं है, इसको आप रीयूज़ कर सकते हैं, फिर से यूज़ कर सकते हैं। यूज़ करने के बाद आप इसको अच्छी तरह से साबुन से धो लें, सुखा लें, संभव हो तो प्रेस कर लें। और इसको पहनने का तरीका यही है, आप इसको पहनिए और अच्छी तरह से बांधिए, इसका प्रेशर अच्छा होना चाहिए ताकि स्किन के और मास्क के बीच में जगह ना हो। इस तरह से आप इसको पहन लीजिए, इसमें भी एक तरफ से ही यूज़ करना है। जब भी आप बाहर से अति आवश्यक कार्य के लिए जब यदि आप जा रहे हैं तो मास्क को यूज़ करके जाइए, आने के तुरंत बाद सबसे पहले अपने हाथों को साफ करिए, अच्छी तरह से साफ करिए, फिर देख लीजिए आपको पूरी तरह से साफ करना है, उंगलियों को भी साफ करना है, उंगलियों के बीच की जगह को भी रब करना है, कोंचे को भी रब करना है। इसके बाद आप मास्क उतारिए, ये वाला हिस्सा नहीं छूइए, इसको साबुन से और धो लीजिए, संभव हो तो स्प्रिट से भी यूज़ कर सकते हैं, इसका डिटॉल भी यूज़ कर सकते हैं, और इसको प्रेस धूप में सुखाने के बाद प्रेस कर लीजिए। ये मास्क पहनने के लिए जो भ्रांतियाँ चल रही है उसके बारे में मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया है। दूसरी चीज, कोरोना वायरस COVID-19 मतलब कोरोना वायरस इंड्यूस जो डिजीजेस है वो दुनिया भर में बहुत तेज़ी से पैर पसार रही है, भारत में भी बहुत तेज़ी से ये फैल रहा है। हमें सावधान रहना है ताकि हम अपने आप को, अपने परिवार को, समाज को, देश को बचा सकें, सुरक्षित रह सकें। सुरक्षा में ही भलाई है, ये जंग सिर्फ तभी जीती जा सकती है कि जब हम डरपोक बने, घर में रहें। ये एक ऐसी जंग है जिसमें आपको किसी युद्ध के मैदान में नहीं जाना है, घर में रह के इसको जीतना है। तो मेरा आप सभी से निवेदन ये है, मास्क का यूज़ करें, सोशल डिस्टेंसिंग की भी बहुत बड़ी बात होती है कि आपको 3 से 4 फीट 1 मीटर से ज़्यादा दूरी एक दूसरे से रखना है ताकि जो वायरस है वो हमारे थूक में, सलाइवा में ये निकलता है, छींकने में निकलता है। क्योंकि बड़ा वायरस है इसलिए वो ज़्यादा दूर तक ट्रेवल नहीं कर पाता और बीच में गिर जाता है, तो हमें सोशल डिस्टेंसिंग भी बना के रखना है। बराबर टीवी पर बहुत सारी बातें, बहुत सारी सावधानियां ऐसे बताई जा रही हैं, कृपया उनका पालन करें, सुरक्षित रहें। जय समाचारों के लिए देखते रहिए LNB TV, जुड़िए हमसे, हम बनेंगे आपकी आवाज़। नमस्कार।